जी भाई हम पहुंच चुके हैं पिशावर, और पिशावर में ये चौक यादगार आप देख रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पुराना इलाका है। चौक यादगार की भी अपनी एक हिस्ट्री है। क्या हाल है भाई जान? समोसे मिल रहे हैं, कच्चे समोसे, रोल रोल सारी का फुल सामान मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही अलग तरह की वाइब है यहाँ की। भाई ठीक ठाक, ये क्या है? ये अंडे। ये कैसे अंडे है लाल रंग के? ये पका हुआ है कच्चा है? पक्का। यहाँ कचालू मिल रहा है, पिशावर की सौगात है भाई। क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक है। क्या क्या है यहाँ पे? कबाब है, चिकन है, छोले है, आलू कोफ्ता है मेरे पास। ये आलू कोफ्ता, ये मैक्रोनी है, चिकन स्टीम भी है, दम पोख वाली, और चिकन आइसक्रीम सैंडविच भी है, गोला कबाब है, कटलेट है, अंडे है, जोशे। ये देखो ये आइटम जो है ना, ये पिशावर के खास आइटम है, आलू बुखारे का मुरब्बा और ये कुर्बानी का मुरब्बा मिल रहा है भाई। ये सर ये टमाटर की चटनी मिल रही है यहाँ पे। सिर्फ चटनी? टमाटर की चटनी है जो आप देख रहे हैं, सब कुछ इसमें डालते हैं। अरे टमाटर की खास चटनी, सिर्फ चटनी का स्टॉल है ये। पिशावर के लोग जो है ना, फ्रेश जूस और फ्रूट बहुत शौक से खाते हैं। और ये देखें भाई, स्ट्रॉबेरी का ठेला। शाहजी होटल पे क्या बन रहा है भाई? ये चीज है, ये चीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मछली की बहुत बड़ी मार्केट है, कच्ची मछली भी मिलती है, पकी हुई मछली भी मिलती है। अगर अपनी आबोताब के साथ खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि सूरज के जो है ना वो ढलने वाला है। वाह भाई वाह, क्या बात है घंटाघर चौक की। ओ भाई सलाम वालेकुम, कैसे हैं भजन? ठीक है। कितने के पकौड़े? 600 रुपए किलो भाई। समोसे भी हैं, रोल भी हैं। कितनी पुरानी दुकान है ये? 40 साल पुरानी दुकान है। अल मशहूर कदीमी दही भल्ले। क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक है, मजे में है। जबरदस्त जबरदस्त, ये भाई दही भल्ले के दही भल्ले चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कबाब कढ़ाई? कबाब कढ़ाई मिल रही है भाई यहाँ पे। क्या बन रहा है ये? चाप बनाई जी। चापे बन रही है। ओए 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 भाई, बहुत ही मसाले वाली चापे लग रही है ये। सलाम वालेकुम। माल्टे के 3 जूस दे दें। 3 जूस माल्टा कितने का है? ग्रेप फ्रूट लग रहा है ये तो। जूस पी के जो है ना वो एक ताजगी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खुबानी का मुरब्बा, बड़े मेवे वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पिशावर में मिलेंगे, जैसे कि कचालू है, तो मैं पहले खा चुका हूँ इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन ये खुबानी, ये टमाटर की चटनी, ये चाप और क्या था, ये खीर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, बिस्मिल्लाह। वाह, बहुत ही रिजाइयत वाली चीज़ है ये। दूध पत्ती कड़क है क्या? बस दूध पत्ती कड़क चाय दो यार। जरा रोजे के बाद आपको पता है, चाय नहीं मिले तो सुकून नहीं मिलता ना।